अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। 4,000 करोड़ रुपए के बाइक बोर्ड घोटाले में शामिल महाघोटालेबाजों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस कड़ी में आज आर्थिक अपराध शाखा ने नोबल बैंक के चेयरमैन विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। विजय की गिरफ्तारी उसके नोएडा स्थित आवास से की गई। लाखों लोगों के जीवन की कमाई को डकारने की साजिश में संजय भाटी के बाद एक बड़ा नाम विजेंद्र सिंह हुड्डा का भी आ गया है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र सारा पैसा समेट कर विदेश भाग चुका है। सूत्रों का दावा है कि ईडी, सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा ने अब विजेंद्र सिंह पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। विजेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट टीवी, पेंटल आदि कई कंपनियों के जरिए बाइक बोट के निवेशकों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा चुका है। वह विदेश में बैठकर निवेशकों के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लिहाजा उसे भारत लाने की मशक्कत भी अब शुरू होने जा रही है। संजय भाटी व उसके गुर्गों ने मिलकर 2 साल पहले करीब 4,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला किया था। यह घोटाला GIPL नामक कंपनी बनाकर किया गया था। इस कंपनी ने भोले भाले निवेशकों को लालच देकर उनसे करीब 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया था। संजय भाटी बेहद शातिराना अंदाज में योजनाबद्ध तरीके से जेल चला गया था, जबकि उसके बाकी साथी अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इस घोटाले में अब तक 68 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आज आर्थिक अपराध शाखा के ASP राम सुरेश यादव के निर्देशन में नोबल बैंक के चेयरमैन विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2003 में विजय ने नोबल बैंक की स्थापना की और 4 जिलों में 8 शाखाएं खोली। वर्तमान में वह बैंक का CEO है। इस बैंक में उसका बेटा गोविंद भारद्वाज बैंक का लीगल एडवाइजर है, जबकि दूसरा बेटा राघव बैंक का डिप्टी CEO है। 2018 में विजेंद्र सिंह हुड्डा, संजय भाटी ने इस बैंक में बिना KYC आदि कराए GIPL व अपनी कंपनियों के खाते खुलवाए। संजय व विजेंद्र की कंपनियों के बैंक से जुड़ने के बाद बैंक का काम बढ़ गया। GIPL कंपनी में निवेशकों का जो 60 से 70 करोड़ रुपया नकद आया था, उसको विजय शर्मा ने संजय भाटी से मिली भगत कर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी व्हाइट हाउस ग्रेटर नोएडा में लगा दिया। करीब 7.5 करोड़ रुपए GIPL व ITV के खातों में इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दिया गया। संजय ने अपने निदेशक श्यान आरिफ व विवेक सिंह को नियम विरुद्ध विजय शर्मा की सहमति से बैंक में GIPL कंपनी में निवेशकों की धनराशि को समायोजन करने के लिए बैठाया, जबकि इन दोनों की ही नहीं तो बैंक में नियुक्ति थी और न ही बैंक के अधिकारी थे। विजय शर्मा द्वारा मनमाफिक रूप से विजेंद्र सिंह की कंपनी PTPL, इंडिपेंडेंट टीवी व ग्रवित इंफ्राट्रेक के नाम पर गाड़ियों के लिए 2.10 करोड़ रुपए का लोन नियम विरुद्ध अपने बैंक से दिलाया। GIPL के निवेशकों को जब किए गए वादे के मुताबिक अपनी धनराशि मिलना बंद हो गई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इन निवेशकों को शांत करने के लिए विजेंद्र सिंह व संजय भाटी के कहने पर विजय कुमार शर्मा ने गैर कानूनी तरीके से लाखों चेक नोबल बैंक के छपवाए और उसमें से लगभग 2.6 लाख चेक निवेशकों को दे भी दिए। चेक फर्जी हैं, यह बात विजय की जानकारी में थी। इस प्रकार GIPL के डायरेक्टर्स व नोबल बैंक के चेयरमैन विजय कुमार शर्मा आपसी मिलीभगत कर लाखों निवेशकों को फर्जी चेक देकर गुमराह करने में सफल रहे। जब निवेशकों ने इन चेक को बैंक में जमा किया तो वे सभी बाउंस हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जब यह राज खुला तो विजय शर्मा ने सारा दोष बैंक मैनेजर RK नागपाल पर डालते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। यह बात दीगर है कि नागपाल ने अपने लिखित बयान में यह जानकारी दी कि यह सारा घोटाला विजय शर्मा के कहने पर अंजाम दिया गया। बता दें, इस महाघोटाले को फर्स्ट बाइट पहले दिन से ही प्रमुखता से उठाता रहा है। पैसे के इस्तेमाल व अपने रसूख के चलते संजय भाटी व विजेंद्र सिंह लंबे समय तक इस संपूर्ण घोटाले को मीडिया की सुर्खी बनने से रोकने में सफल रहे हैं। एक बात और, इस महाघोटाले में लिप्त बड़े नाम BN तिवारी और संजय की पत्नी दीप्ति बहल अभी भी पकड़ से बाहर है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।